कॉर्डेड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सो दीज आर द आउटलाइंस ऑफ टूडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू शेयर ब्रीफ रिव्यू ऑन ह्यूमन इवोल्यूशन, देन एडवांस फीचर्स इन ह्यूमन, देन ह्यूमन एंसेस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, एंड इन लास्ट If we consider about brief review of human evolution, then we find that Carolus Linnaeus called human as Homo sapiens. Carolus Linnaeus ने human को Homo sapiens की संज्ञा दी है, उसका नाम Homo sapiens रखा है, and he also placed them along with apes and monkeys. और उसने human को apes और monkeys के साथ जो है वो वर्गीकृत किया है, उनके साथ में रखा है। टी एच हक्सले 1863 एक्सप्लेन्ड ओरिजिन ऑफ पेन इन हिज बुक मैंस प्लेस इन नेचर। टी एच हक्सले 1863 ने अपनी पुस्तक मैंस प्लेस इन नेचर के अंदर मानव के ओरिजिन के बारे में बताया है। चार्ल्स डार्विन एंड दिस इज द सिस्टमेटिक पोजिशन ऑफ होमो सेपियंस और ह्यूमन, और वी कैन से द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग इज एज किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सुपर क्लास एंड दीज आर द एडवांस फीचर्स इन ह्यूमन, मानव में पाए जाने वाले एडवांस प्रकार के फीचर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट ऑड एंड स्पेशलाइज्ड। अगर हम दूसरे प्रकार के प्राइमेट से ह्यूमन की अगर तुलना करें तो डिफरेंट प्रकार का होता है, ऑड प्रकार का होता है और विशिष्टीकृत प्रकार का होता है, जो इनकी बनावट या टेक्सचर या मॉर्फोलॉजी के अंदर देखने को मिलता है। मेल और फीमेल प्रकार के इंडिविजुअल हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं, या इनका जो बिहेवियर होता है उनके अंदर हमें स्पेशलाइज प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। देन सेकंड इज स्पीच। अगर हम दूसरे प्रकार के प्राइमेट से कंपेयर करें तो ह्यूमन ही एक ऐसा क्रीचर है जिसके अंदर स्पीच पाया जाता है, जिसमें एक वाक कला पाई जाती है जो दूसरे प्रकार के प्राइमेट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती है। इसी प्रकार से अपराइट पोस्चर या सिद्धि मुद्रा जो है वो केवल ह्यूमन या होमो सेपियंस के अंदर ही पाई जाती है, ये भी जो है वो न मंकीज के अंदर देखने को मिलती है और न ही एप्स प्रकार के क्रीचर है उनके अंदर देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट नेकडनेस। अगर हम मंकीज से और एप्स से जो है वो ह्यूमन का कंपेरिजन करें तो ये देखा गया है कि उनके अंदर जो है वो पर इंच स्क्वायर जो हेयर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है और हमारे अंदर जो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए हमारी स्किन जो है वो लगभग नेकडनेस प्रकार की मानी जाती है। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन्स। अगर हम एप्स और मंकी से अपने आप को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रकार का ब्रेन पाया जाता है, अर्थात हमारा जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो एप्स और मंकीज की तुलना में कहीं ज़्यादा डेवलप प्रकार का होता है। देन लिम्ब्स टेक्सचर। हमारे हाथ पैरों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है जो हमें एप्स और मंकीज प्रकार के एनिमल हैं, प्राइमेट्स हैं, उनसे डिफर करते हैं, उनसे अलग करते हैं। देन ब्लशिंग। और हमारे अंदर एक इस प्रकार का जो है वो फेशियल एक्सप्रेशन पाया जाता है, एक इस प्रकार का बिहेव पाया जाता है जो हम दूसरे प्रकार के प्राणियों के अंदर जो वो नहीं देख सकते, इसलिए भी जो है वो ह्यूमन के अंदर ब्लशिंग एक एडवांस प्रकार का फीचर्स होता है। एंड दिस इज़ द हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक ट्री ड्वेलिंग प्रकार का मेमल है, उसके जो है वो ट्री से पृथ्वी पर गिरने से जो है वो सभी प्रकार के मेमल्स एज वेल एज जो प्राइमेट्स प्रकार के एनिमल हैं उनका ओरिजिनेशन होता है। एंड दैट इज़ द रियल ट्री थ्रू बाई विच ऑल टाइप ऑफ मेमल्स एंड प्राइमेट्स हैव इवोल्व्ड। And this is the primate tree of life in which we can see कि all type of primate है उसको जो है वो दो part के अंदर divide किया गया है, एक prosimians प्रकार के primate कहलाते हैं और दूसरे simian प्रकार के primates कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो prosimians प्रकार के primate है उनके अंदर हम दो प्रकार के creature lemurs और tarsiers हैं उनको include करते हैं, और इसी प्रकार से जो simian प्रकार के हैं उन simian प्रकार में हम एक monkeys और दूसरे एंथ्रोपोइड प्रकार के क्रीचर हैं उनको इंक्लूड करते हैं। तो जो मंकीज हैं उनके अंदर न्यू वर्ल्ड मंकीज
एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है उनको इंक्लूड किया जाता है, और एंथ्रोपोइड्स में जो है वो गिबन, ओरंगुटान, गोरिला, चिंपेंजी, बॉनबो और ह्यूमन बीइंग को शामिल किया जाता है। एंड दिस इज द टाइमलाइन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। जो ह्यूमन इवोल्यूशन है उसकी टाइमलाइन है उसको हमें प्लीस्टोसिन इपोक के माध्यम से समझ सकते हैं, और प्लीस्टोसिन को हमने जो है वो मानव उद्विकास को समझने के लिए तीन कालों में तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया है। पहला इसमें कहलाता है अर्ली प्लीस्टोसिन, दूसरा कहलाता है मिड प्लीस्टोसिन और तीसरा कहलाता है लेट प्लीस्टोसिन। तो यहाँ पर जो अर्ली प्लीस्टोसिन प्रकार का इपोक है उसके अंदर ह्यूमन के जो एंसेस्टर हैं उनमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस और होमो हैबिलिस प्रकार का जो ह्यूमन है या ह्यूमन लाइक जो एप हैं उनका जो है वो ओरिजिन होता है। इसी प्रकार से जो मिड प्लीस्टोसिन है उस मिड प्लीस्टोसिन के अंदर होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, और जो लेट प्लीस्टोसिन प्रकार का इपोक है उसके अंदर होमो सेफियंस नियंडरथेलेंसिस, होमो सेफियंस फोसिलिस और होमो सेफियंस सेफियंस का इवोल्यूशन होता है। यद्यपि इससे पहले भी जो है वो ह्यूमन का इवोल्यूशन प्रारंभ हो चुका होता है, लेकिन होमोनॉइड प्रकार के पहले जो ऐप होते हैं, होमोनॉइड प्रकार का पहला जो एंसेस्टर होता है वो बेसिकली हमें प्लीस्टोसिन प्रकार के इपोक में देखने को मिलता है। ये ह्यूमन इवोल्यूशनरी लाइन जिसके अंदर हम वेरियस प्रकार के जो होमोनॉइड प्रकार के एंसेस्टर होते हैं उनको देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले जो है वो ड्राइफिथेकस जो प्लीस्टोसिन प्रकार के इपोक है उससे पहले इसका ओरिजिन हुआ है। देन सेकेंड रामापिथिकस और केनाफिथिकस, इसका ओरिजिन जो है वो भी प्लीस्टोसिन इपोक से पहले होता है। देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, ये जो है वो अर्ली प्रकार का जो प्लीस्टोसिन इपोक है उसके अंदर ओरिजिन होता है। होमो हैबिलिस जो है वो भी इसी के अंदर जो वो ओरिजिन होता है, और होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस, ये दोनों जो है वो मिडिल प्रकार का प्लीस्टोसिन इपोक है उसके अंदर ओरिजिनेट होते हैं, और होमो सेपियंस नियंडरथेलेंसिस और होमो सेपियंस फोसिलिस एज वेल एज होमो सेपियंस सेपियंस जो है वो लेट प्लीस्टोसिन इपोक के अंदर इवोल्व हुए हैं। सो नाउ लेट वी सी ड्राइफिथेकस और प्रीमैन। तो हम सबसे पहले ड्राइफिथेकस की बात करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट और पैलिंटोलॉजिस्ट ने ड्राइफिथेकस को प्रो कौनसुल भी कहा है, एंड इट इज़ ए कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप्स, और ये मानव और कपियों का सामान्य प्रकार का पूर्वज रहा है। दैट लाइव्ड आर्बोरियल इन एशिया एंड अफ्रीका, ये एशिया और अफ्रीका के अंदर आर्बोरियल प्रकार से रहता था अर्थात वृक्षों के ऊपर रहता था। इट इज़ द कॉमन स्पीसीज एज ड्राइफिथेकस अफ्रीकेनस, इसकी जो सर्वसामान्य प्रकार की स्पीशीज है उससे हम जब ड्राइफिथेकस अफ्रीकेनस कहते हैं। इट हैज़ ए सेमी इरेक्टेड पोस्चर विद इक्वल फोर लिम एंड हाइंड लिम, इसमें जो है वो अर्ध सीधी मुद्रा पाई जाती थी, या यूं कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से सीधा होकर नहीं चलता था, और साथ ही साथ इसमें जो अग्रपाद और पश्चपाद हैं वो समान या बराबर लंबाई के होते थे। अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइफिथेकस और प्री मैन इज एज हैंड्स एंड स्कल वर फाउंड एज मंकी, मंकी की तरह जो है उसके अंदर हाथ और खोपड़ी पाई जाती थी। फोरहेड फाउंड एज ह्यूमन, इसमें माथा या फोरहेड जो है वो ह्यूमन की तरह था। जो एंड डेंटिशन वर फाउंड एज एप्स, कपियों की तरह इसमें जबड़े और डेंटिशन पाया जाता था। एंड शिवापिथेकस फ्रॉम शिवालिक इज लाइक ड्राइफिथेकस, भारत में शिवालिक पहाड़ियों से जो शिवापिथेकस मिला है वो ड्राइफिथेकस की तरह ही पाया गया है। ये प्रोकोंसुल या प्रीमैन या ड्राइफिथेकस का एक स्केलेटन है, और इस स्केलेटन से जो है वो ये इसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, पुनः इसे बनाया गया है, और इस प्रकार से जो है वो ड्राइफिथेकस दिखाई देता था। देन नेक्स्ट रामापिथेकस और सबमैन और केनापिथेकस, या हम ये कह सकते हैं कि ये भी जो है वो मैन से जस्ट पहले का जो है वो एक एंसेस्टर है, जो 8 से 15 मिलियन एगो
और शिवालिक प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं उसे इसे प्राप्त किया गया था। लेविस 1930 ने इसको खोजा था। द अर्लीस्ट मैन लाइक प्राइमेट, ये पहला जो है वो मैन लाइक प्राइमेट है। वॉकड ऑन इट्स लेग, ये अपने जो है वो पैरों पे चलता था। सेमी सर्कुलर डेंटल आर्क, इसमें जो है वो अर्धचंद्राकार प्रकार का डेंटल आर्क पाया जाता था या दंताग्र चाप पाया जाता था। इट हैज स्मॉलर डेलिकेट जॉ, जो या जबड़े इसके अंदर जो है वो बहुत छोटे प्रकार के थे। डेंटल आर्क फाउंड एज ह्यूमन, ह्यूमन की तरह ही इसके अंदर जो है वो डेंटल आर्क पाया जाता था। स्मॉल फ्रंट टीथ एंड रिड्यूस कैनाइंस, जो आगे वाले दांत हैं वो छोटे होते थे, इसके साथ साथ जो कैनाइन प्रकार के दांत हैं वो काफ़ी हद तक घट गए थे। देन थर्ड टाइप ऑफ एंसेस्टर इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, और इसे हम अफ्रीकन एप मैन भी कहते हैं। सबसे पहले रेमंड डार्ट 1920 ने इसको खोजा था। ये जो है वो 5 मिलियन ईयर्स जो है वो पहले रहता था, पाया जाता था। साउथ अफ्रीका से इसकी जो वो खोज की गई है। एंड इसमें कई प्रकार के कैरेक्टर्स जो है वो ऐप लाइक कैरेक्टर एज वेल एज ह्यूमन लाइक प्रकार के कैरेक्टर, दोनों प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते थे। तो ऐप लाइक प्रकार के जो कैरेक्टर्स है वो कौन कौन से थे? फर्स्ट है स्मॉल क्रेनियल कैविटी, अर्थात इसमें कपाल गुहा का आयतन जो है वो 600 क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जाता था। लॉन्ग साइज कैनाइन एंड इंसाइजर, लंबे प्रकार के जो है वो कैनाइन और इंसाइजर पाए जाते थे। स्मॉल स्टेचर, इसकी लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। प्रोग्नेथस, जबड़े या जो जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए थे। सुपरा ऑर्बिटल रिजेज एंड चिनलेस, जो सुपरा ऑर्बिटल प्रकार के रिज है अर्थात जो बोहें होती हैं वो उभार युक्त थी, और साथ ही साथ इसमें जो है वो ठोड़ी या जो चिन्ह है वो बहुत छोटी या न के बराबर थी। एंड मैन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इन अफ्रीकन एप मैन आर इरेक्ट पोस्चर, अर्थात इनमें जो है वो सीधी मुद्रा पाई जाती थी। बाइपीडल लोकोमोशन, द्विपादी प्रकार का गमन था। लंबर कर्व या वर्टिब्रल कॉलम के अंदर लंबर प्रकार की वर्टिब्री होती हैं उनके अंदर जो है वो कर्वेचर पाया जाता था। ब्रॉड बेसिन, पेल्विक प्रकार का जो पार्ट है वो चौड़ा था। राउंडेड डेंटल आर्क, जो डेंटल प्रकार का चाप है वो राउंडेड या गोलाकार प्रकार का था। ये एक रिकंस्ट्रक्ट किया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस है। एंड द नेक्स्ट एंसेस्टर और होमोनॉइड इज होमो हैबिलिस और हैंडीमैन। इसे हैंडीमैन इसलिए कहा जाता है कि ये जो है वो जो चिप्ड प्रकार के स्टोन्स हैं उन चिप्ड प्रकार के स्टोन से जो है वो टूल बनाता था, या पत्थरों को जो है वो तराश तराश कर जो है उनसे स्टोन टूल्स बनाता था, इसलिए इसको हम जो है वो हैंडीमैन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैरी एंड लुइस लीकी डिस्कवर्ड इन 1960, और ये जो है वो 3.5 मिलियन ईयर्स जो है वो पहले पाए जाते थे। साउथ अफ्रीका से इनकी खोज की गई है। इनकी क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो 735 क्यूबिक सेंटीमीटर और हाइट इनकी 150 सेंटीमीटर तक थी। प्रोमिनेंट ब्रो रिज और उभार युक्त बोहें इनके अंदर जो वो पाई जाती थी। प्रोट्रूडेड जो एंड ओमनिवोरस, इनके जबड़े जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए थे, इसके साथ साथ जो है वो सर्वहारी या ओमनिवोर प्रकार के हैंडीमैन थे। बाइपेडल लोकोमोशन, द्विपादी प्रकार का गमन करते थे। इरेक्ट पोस्चर, सीधे होकर चलते थे। एंड फर्स्ट टूल मेकर, ये पहला जो है वो होमोनिड या एंथ्रोपोइड एंसेस्टर था जिसने जो है वो पत्थर से औजार बनाना सीख लिया था। दिस इज द स्कल ऑफ होमो हैबिलिस एंड दिस इज अ रिकंस्ट्रक्टेड होमो हैबिलिस फ्रॉम दैट स्कल। एंड लास्ट फीडबैक पीच, और द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन बिलोंग्स टू ऑर्डर ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स फैमिली। ह्यूमन जो है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? सो इसका जो राइट आंसर वो है प्राइमेट्स एंड होमोनिडी।
या हम ये कह सकते हैं कि प्राइमेट्स इसका ऑर्डर है और होमोनिडीज की जो है वो फैमिली है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप इज ब्लैंक्स। मानव और कपी का सर्वसामान्य एंसेस्टर या पूर्वज कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ड्रायोपिथेकस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली फॉसिल्स ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन आर बिलोंगिंग टू ब्लैंक्स इपोक ऑफ द सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा के कौन से काल से और ह्यूमन इवोल्यूशन है उसके अधिकांश फॉसिल्स हमें मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है इसके अंदर प्लीस्टोसीन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायर वाज फर्स्ट यूज फॉर प्रोटेक्शन एंड कुकिंग बाय ब्लैंक्स फॉसिल मैन। कौन से फॉसिल मैन ने सबसे पहले जो है वो आग से अपना बचाव और कुकिंग करना सीख लिया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है होमो इरेक्टस। एंड दीज आर द सजेस्टेड रीडिंग्स और रेफरेंसेज फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो है वो कई प्रकार की बुक्स हैं, ख़ासतौर से आप जो है वो वाई एन हरारी या युवान नोवा हरारी, इसकी जो बुक्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती हैं, अच्छी बुक्स हैं, आप इन दो को जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी किताब हैं, बुक्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। एंड द जर्नी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो एज पार्ट टू। सो टच विद अस एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट।